तो सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह मैं आ गया था ऊपर वाले घर। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है ऊपर वाले घर से ही। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज सुबह सुबह का सीन ऐसा कुछ है, प्रधान का फोन आ गया था मेरे लिए सुबह सुबह कि आज मैं घर ही हूँ, नहाने जाएं स्विमिंग पूल करके। तो मैंने कहा चल भाई जाके आते हैं। और थोड़ी देर पहले तक ना धूप बहुत अच्छी आई हुई थी और अब देखो धूप चली गई है, ऊपर को काले बादल आने लग गए हैं। जब भी हम स्विमिंग पूल में नहाने जाने की सोचते हैं ना, तो हमारे साथ एक तो ये हो ही जाता है, मतलब कभी आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है, कभी वहाँ जाके भी धूप नहीं आती है। मगर आज सोचा था कि धूप अच्छी खासी आई है जाते हैं करके, तो आज भी ऐसा ही कुछ सीन होने लग गया है। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर है हमारा ऊपर वाला घर, बाकी देखिए व्यू और चिड़ियों की चहचहाहट कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे चाची निकाल रहे हैं घास। ओ चाची घास निकाल रहे हो, आज तो चाची भी हिंदी में बोल रहे हैं यार, देखो हाँ चाची कह रहे थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलना ही हुआ। और साथ में हाँ फोन लो करना है, तो चाची कह रहे हैं साथ में फोन भी कर रही हूँ और घास भी काट रही हूँ। अच्छा करो वो करो फसक करो हाँ स्विमिंग पूल दाम ना पता ना चंदा होना। तो देखा आप लोगों ने चाची घास भी काट रहे हैं और साथ ही ना मडवे की निराई गुड़ाई भी कर रहे हैं। तो यही होता है भाई पहाड़ों में हमेशा काम ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ लोग लगे रहते हैं। बाकी मैं पहुंच गया हूं चुबड़ी में, चुबड़ी यानी कि जहां पर से चार रास्ते होते हैं, एक ये वाला रास्ता जाता है मडेलकिया, यहां को उतना अच्छा वाला रास्ता नहीं है, खाली वो पगडंडी जैसी है। और एक रास्ता ये है जहां से मैं आ रहा हूं, और एक रास्ता ऊपर को जाता है जहां हमने जाना है, एक रास्ता ये है जहाँ से प्रधान आने वाला है, तो न जाने कितनी देर में आने वाला है। वैसे फ़ोन तो कर दिया था मैंने आ जा करके। इसी के साथ प्रधान जी के दर्शन हो गए हैं। तू तो कह रहा था चंदू भी आ रहा है, नहीं है तू और मैं जा रहे हैं। अरे गुड यार, तो आज सिर्फ प्रधान जी और मैं ही जाएंगे नहाने। तो सुन रहे हो आप लोग, जिस दिन धूप आती है ना उस दिन चिड़ियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी धुन निकालती हैं, देखो कितने प्यार से चहचहा रही हैं। अभी नहीं चहचहा रही है, शाजी से क्यों चिड़िया होगी, जब मैंने बोला तब नहीं चहचहा रही है। तो फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं गांव के प्राइमरी विद्यालय के पास और हम लोगों को जाना है वहां टॉप में। अब हमारा स्विमिंग पूल है ही इतना दूर, क्या करें, जो वो वाला टॉप दिखाई दे रहा है ना उससे ऊपर को जाना है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। और रास्ता भाई साहब मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता ना एकदम खड़ी चढ़ाई वाला है, और इसमें जो पसीना और गर्म होगा ना मतलब बता नहीं सकते। और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम स्विमिंग पूल के पास पहुँचेंगे ना हमें खूब गर्म हुए रहेगा। क्यों टैंक में तो भरनी पड़ेगी, भरी नहीं है क्या, कौन भरेगा। अरे यार तो प्रधान कह रहा है वहाँ जाके हमने जो है टंकी भी भरनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा लोचा होने वाला, कोई नहीं भर लेंगे। तू नहा के तो नहीं आ रहा भाई, अच्छा पोस्ट ऑफिस गया था हाँ। तो ये रुपए जमा करके आ रहा है, आ रहा नहाने तू, जल्दी आ फिर। तो चंदू कह रहा है मैं भी आ रहा हूँ नहाने, तो हमारा हम आराम से चलते हैं, चंदू हमें मिल ही जाएगा रास्ते में, मतलब हम चंदू को मिल ही जाएंगे रास्ते में, क्योंकि वो भाग भाग के आ जाता है। तो वहाँ अपने घर के आगे बॉबी बैठा है, तो बॉबी को भी बुला रहे हैं, अब देखते हैं आता है या नहीं आता है। हमने सोचा बॉबी को हम बुलाएंगे, मगर बॉबी खुद ही कह रहा है कहाँ जा रहे हो नहाने जा रहे हो, तो मैं भी आ रहा हूँ, तो वो भी आने लग गया है अपने घर से। तो आज पता नहीं बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए यार, आज क्या था, आज सैटरडे है ना, परंपरा प्रतिष्ठा। मुझे लगा ये कहेगा आज संडे है, कह रहा है आज सैटरडे इसलिए नहीं गए। वाह फिर कल संडे है, कल वैसे ही नहीं जाओगे, हफ्ते में 2 दिन तो चाहिए होते हैं। अच्छा तो आज प्रधान जी भी स्कूल नहीं गए हैं और चंदू भी नहीं गया है, बॉबी भी नहीं गया है, तो हम चार लोग जाने वाले हैं नहाने के लिए। अब सबसे बड़ा टास्क हमारा वही रहेगा वहाँ जाके स्विमिंग पूल भरना। ओ प्रधान जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तेरा नहाने का मन नहीं है भाई,
तो ऐसे मरे मन से क्यों चल रहा है, फटाफट चलना। अरे अभी तो चंदू भी नहीं आया यार, बॉबी आके ना गया स्कूल। ट्वेल की कौन सी उम्र ये बता। अबे जेल हुदार वाल वेले लगा वाल टीवी ट्वेल क्यों करा यो बता। स्कूल के ना गए तू आ खाली और जो कह दे ट्वेल ना नार जो ना रचा। तो बॉबी कह रहा है आज टीवी खराब हुई थी तो टीवी सुधारने वाले आने वाले थे तो इस चक्कर में मैं स्कूल नहीं गया और नहाने का मन भी था आज बॉबी का है। बॉबी तो देखो यार ऐसा एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो फिलहाल हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं गोतीधार में और यहाँ पे बैठ के चंदू का इंतजार करेंगे। अब पता नहीं कितनी देर में आता है चंदू, आऊँगा तो कह रहा था। तो 15-20 मिनट यहाँ पे चंदू का इंतजार करने पर भी चंदू नहीं आया। तो बॉबी और प्रधान जी का कहना है कि हम चलते हैं, तब तक टंकी तो भर लेंगे, अगर चंदू को आना होगा तो आ जाएगा। हैं बॉबी गद्दारी कर दे। गद्दारी कर गया तू वो चंदू के साथ है। चंदू का ना गद्दारी क्या गद्दारी। अच्छा ओ ताओ जी आ रहे हो नहाने आ रहे हो ना उन्हें ना नहा आओ यार आओ। अच्छा नहा के आते हैं। तो हंगाड़ आदि में हमने शिकाल लीजिए, हंगाड़ आदि में हमने जो शिकाल। चलो शाम को मिलते हैं फिर। ओके ओके ताऊ जी। अच्छा रात रू हाँ अड़ख केने केने। अरे ठीक हो ठीक हो ठीक हो। तो यहाँ पे एक आंटी भी थे तो वो कह रहे थे कि तू मुझे नहीं जानता होगा मैं तुझे जानती हूँ करके। तो वो कह रहे थे मैं राती के अड़खेत में रहती हूँ और हरेंद्र की मम्मी हुई, हालांकि मैं हरेंद्र भाई को तो जानता ही हूँ। तो प्रधान और बॉबी ना ऊपर पहुंच गए काफ़ी। ओए रुको यार, एक तो ऐसा रास्ता है देख लो और धूप भी आई है तो साफ बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं यार ऐसे मौसम में ना। अच्छा चीटिंग करते हो मतलब मेरे से आगे आगे आके यहाँ पर छाया में बैठ रहे हो। गुड यार गुड। और लास्ट में जीतता कौन है कछुआ। कोई सिद्धांत उल्टा नहीं होता, ऐसे ही ना पलटोगे, इतिहास गवाह है। कछुए की चाल चलोगे तो कछुआ ही जीतेगा। हाँ तुम मुझसे भी ज़्यादा लग रहे हो मुझे। चलो फिर कौ होना बॉबी रुक में जावे। ठंडा होना है बा। तो बॉबी कह रहा पहाड़ में आओ रुख में जाके एसी आओ खाओ। चलो देर आए दुरुस्त आए और चंदू भी पहुंच ही गया है। हम तो क्या सोच रहे थे और क्या ही हो गया। क्या हुआ भाई थक गया ना यार खाल न को है बक्की पटावे की है। तो फिलहाल हम लोग ना चलते चलते थक गए थे। थक क्या गए थे मतलब गर्म बहुत ज़्यादा हो गया था और अभी हम लोग रुके हुए हैं उद्धमगढ़ में पेड़ की छाया में। बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे स्विमिंग पूल के लिए। ये देखो इसको कितना पसीना हो रहा है। खुट टूट गान का है आत नीला है खुट नीला है दिए नीला है आत खुट टगने टगन दो दो। आज देखो चाची मुझे यहाँ मिल गए। हाँ चाची दाफा से घास काट के आ रहे हैं। कदी रहता है रहता है अगर भूख नहीं लगी रहर जाओ खाने खाया शाप ने डर लगना है ना से आयल जो है मुंड। ओहो दाजू और 15 अगस्त में खूब ना सुने से का ना सुने से मी जाओ कुणा कहाँ का बाकी स्वीट ले दिए हैं तो हवाल तो गुड उड़ है ना कि चलो दा। तो यहाँ देखो दाजू ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डुक्के बना दिए। ये 9वां डुक्का बन रहा है। कभी दिन लग गान हो बनाने में
सुपर डॉग बनाने में? दो दिन में 9 डॉग है। गुड यार, मतलब तुझे कामदार भी रहे चाहे भी चल ठीक हो। भजा सिंह यार थोड़ा पानी तो पिलाओ। ये तो ना चौमा है जो पानी पे कबू यहाँ पानी खाली। धन्यवाद भजा सिंह। तू ही चाहे छिका मैं अपना काम नहीं कर ले। अरे हमारा तो काम था ना, उनका क्या काम था? बीच में चले हुआ उनका तो भेल चले थे। वहाँ पे चिकन धोरे थे और सारा बह गया यार चिकन।